भाई तुझे पता है दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चिड़िया कौन सी है? भाई जहाँ तक मुझे पता है शुतुरमुर्ग दुनिया की सबसे खतरनाक चिड़िया है ना। मुझे लग ही रहा था तू इसी का नाम लेगा, लेकिन तू बिल्कुल गलत है। तो एक मिनट यार रुक जा, मेरे ख्याल से चील या बाज दोनों में से एक तो खतरनाक है। अबे रहने दे। और ये देख, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक चिड़िया जिसका नाम कैसोवरी है। ये एक फ्लाइटलेस चिड़िया यानी ये उड़ नहीं सकती, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह। कैसोवरी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची और दूसरी सबसे भारी चिड़िया है। इससे बड़े सिर्फ शुतुरमुर्ग और एमू है। शुतुरमुर्ग को तो तुमने देखा ही होगा, ये देख एमू, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसे कैसोवरी का काफी ज्यादा करीबी रिलेटिव माना जाता है। और वैसे भी यार ये दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देते हैं ना। नहीं नहीं भाई कैसी बात कर रहे हैं, कैसोवरी के ऊपर हेलमेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो इस एमू में नहीं है। और ये मुझे बिल्कुल डायनासोर जैसा लग रहा है। हाँ भाई ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, डायनासोर से इनकी शक्ल काफी मिलती जुलती है। वैसे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता कि कैसोवरी में ऐसा क्या है जो इसको बाकी चिड़ियों से ज्यादा खतरनाक बनाता है? भाई अब क्या बताऊं, वैसे तो इसमें बहुत सी खूबियां हैं जो इसको बाकी चिड़ियों से ज्यादा खतरनाक बनाती है, जैसे इसकी लंबी मजबूत टांगें और उन मजबूत टांगों में भी तीन धारदार पंजे जो किसी को भी एक ही बार में उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है ना वो इसकी कीक है, जो अगर किसी इंसान के एक बार पड़ गई तो उसे कई फीट पीछे गिरा सकती है, उसकी हड्डियां तोड़ सकती है और उसे मृत्यु के निकट पहुंचा सकती है। यही वजह है कि कैसोवरी को दुनिया की सबसे खतरनाक चिड़िया का दर्जा दिया गया। और इनके बारे में एक अजीब और गजब बात यह है कि जब एक रिसर्च में इनके अंडों के छिलकों पर स्टडी की गई तो ये बात सामने आई कि आज से करीबन 1800 साल पहले इंसान इन्हें अपना पालतू बनाया करते थे। जैसे आज के टाइम में तोते को पालतू बनाते हैं ना, वैसे उस टाइम इसको बनाया करते थे पालतू, खतरनाक चिड़िया को। अच्छा अच्छा वैसे यार ये इंडिया में भी है क्या? नहीं भाई कैसी बात कर रहे हैं यार, ये चिड़िया ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है और इसकी बहुत सी प्रजातियां खत्म हो चुकी है। ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है जो विलुप्त होने की कगार में है।